स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो मैथ सेक्शन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। आज फिर हम लेके आए हैं नए नए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो इसके लिए चौहान मैथ स्टडी सेंटर की ओर से आप लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ हम आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आज हम लिए हैं ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है पी 70 घंटे की यात्रा करता है। वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की गति तथा बाकी आधी यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं ए से बी तक वो यात्रा कर रहा है, वो टोटल यात्रा कितना आवर कर रहा है, टोटल दिया हुआ है 70 घंटे की वो यात्रा करता है। लेकिन देखिए, उसने बोला आधा यात्रा जो है, आधी यात्रा वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और आधा जो बचा वो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। अब देखिए, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट यदि पता हो कि यदि डिस्टेंस इक्वल हो, दो डिस्टेंस यदि इक्वल हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो टाइम का होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए, ये भी इक्वल दूरी था, मान लीजिए ये डी है, ये डी है, 2D, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक कि ए से मान चलिए ये सी पॉइंट है, ए से सी में जाने में और सी से डी में जाने में दोनों केस में मेरा क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। यदि डिस्टेंस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जिसका स्पीड अधिक होगा उसको कम समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड का उल्टा रेशियो टाइम का हो जाता है। तो आप देखिए, स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, s1:s2 हम निकालते हैं तो 30 और 40, यानी कि 3:4, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब देखिए, टोटल कितना घंटा यात्रा कर रहा है, 70 घंटा का वो यात्रा कर रहा है, यहाँ कितना है 7, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 7 यूनिट का वैल्यू 70 दिया हुआ, 70 आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 आवर होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 आवर ये हो जाएगा और 30 आवर, यानी कि ए से सी जाने में इसको 40 घंटा लगता है और सी से डी जाने में 30 घंटा लगता है, तो इतना इससे निकल जाएगा। तो देखिए, हम टाइम निकल गया 40 और स्पीड मेरे पास पहले से पता था 30 किलोमीटर पर आवर, तो डी का हम निकाल सकते हैं, डी कितना होगा 40 × 30, तो कितना हो गया 1200 किलोमीटर। अब देखिए, ये ए से सी तक की दूरी निकला डी 1200 किलोमीटर, लेकिन हमको पूछ रहा था टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इसका डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो 2 × 1200, तो हो जाएगा 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है पी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम को 40 दिनों में तथा आर 50 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे।
देखिए पी जो है पी 30 दिन में पूरा कर रहा है और क्यू 40 दिन में पूरा कर रहा है, आर इसी काम को 50 दिन में पूरा कर रहा है। तो आप बताइए, हम बताए थे कि जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है इन तीनों का जो इंडिविजुअल डेट्स दिए हुए होते हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ आप एलसीएम निकालिए, तो 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल के इसके आगे एक जीरो चिपका दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा 3, 4, 5। तो यहाँ देख रहे हैं 60, आपका 60 एलसीएम आ रहा है, तो 600 हम टोटल ये वर्क इन तीनों का एलसीएम आया, वही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब इसका हम पी का इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? अब देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल जो एक दिन में वो कितना दिन काम कर रहा है। तो देखिए 30 दिन में पूरा काम, उसको 600 वर्क करने में 30 दिन लग रहा है, तो इसका आप इफिशियंसी निकाले तो कितना होगा, 20 इफिशियंसी हो जाएगा। इसका इफिशियंसी निकाले तो 15 × 4 = 60, यानी कि 15 हो जाएगा। कैसे? अब देखिए इसका निकालेंगे, एक का बताते हैं 600 डिवाइडेड बाई ये कितना दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन, तो देखिए हो गया 20। तो यही इफिशियंसी हम निकालें। इसी तरीका से 40 वाला का निकालिए जो 40 दिन में पूरा कर रहा था, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, इसका इफिशियंसी 12 हो गया। अब देखिए डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो देखिए टोटल वर्क निकाले 600, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 और 20 35 12 47 47। तो यही मेरा, तीनों जब साथ मिल के काम करेंगे तो इतना दिन, 600 डिवाइडेड बाय 47 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन आप देखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जरा सी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा इस क्वेश्चन को समझने में, तो हमारे चैनल पे टाइम एंड वर्क का पूरे डिटेल्स तरीका से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वहाँ आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF और LCM, HCF दिया हुआ है 29 और LCM दिया हुआ है 435। तो पूछ एक संख्या 145 है, फर्स्ट जो नंबर है 145 है, तो सेकेंड नंबर बताइए। तो आपको पता होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो आप यहां से सेकेंड नंबर निकालें तो ये हो जाएगा LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। तो आप यहां से देखिए 29 × 435 डिवाइडेड बाई 145। तो यहां से कीजिए तो ये आ जाएगा आपको, 9 से कट रहा है, 3 से पहले काटिए, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 5 से कट रहा है, तो यह जाएगा 5 × 2 = 10, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, 87, 29 से 29, तो 87 आपका सेकेंड नंबर निकल गया। 87 देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 75, 75, 76, 79, 81 की माध्यिका, यानी कि मीडियन ज्ञात करें। तो अब इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले जमा लेते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले हमको नंबर्स को लिखना होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले
सबसे छोटा जो नंबर है उसको पहले, इससे बड़ा उसके बाद, इससे बड़ा उसके बाद। तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर 51 है, इसके बाद इसमें ढूंढिए आप तो दिख जाएगा 73, इसके बाद आपको दिख जाएगा 75, इसके बाद 76, 79 और 81 और 89। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इन संख्याओं को गिन लेना है, काउंट कर लेना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 है। 7 कैसी संख्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसमें अपने मन से एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 / 2 = 4। अब इधर से चौथा पद गिनिए, 1, 2, 3, 4, 76, तो मेरा 76 इसका माध्यिका मीडियन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका मीडियंस निकालने के लिए 2 स्टेप में हम काम करते हैं। पहले तो हम जो दिए गए नंबर्स होते हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, उसके बाद इनकी पदों की संख्या को गिनते हैं। अगर पदों की संख्या ऑड नंबर विषम संख्या आ जाए तो उसमें एक जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो आता है उससे वो वाला पद जो होगा, उस नंबर पे जो पद होगा वो मेरा माध्यिका मीडियन हो जाएगा। दूसरा केस, अगर सम संख्या आ जाए तो सम संख्या यदि आ जाए तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड दे देंगे, और 2 से डिवाइड देने के बाद जो नंबर आएगा वो वाला पद और उससे अगला वाला पद जो होगा, उन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड जो कर देंगे वो मेरा माध्यिका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए दिया हुआ है 2 संख्याओं, 2 अंकों की एक संख्या और उन उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करें। एक बात बताइए, 2 अंक का संख्या हम लिखेंगे कैसे? उसका जो लिखने का वे है वो क्या होता है? तो देखिए 2 अंक का संख्या जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 10x + y, ये मेरा 2 अंक का संख्या लिखने का तरीका है। 2 डिजिट के संख्या लिखने का तरीका ये है। तो अब देखिए आपको पता होगा संख्या कैसे लिखते हैं, यदि 3 डिजिट का होता तो 100x + 10y + z, ये हो जाता 3 डिजिट का, और 2 डिजिट का बोल रहा है तो 10x + y, एक्स वाई क्या है, डिजिट है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। दिया हुआ है कि दोनों 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान पलटने पर, तो पहले लिखते हैं 10x + y, ये 2 अंक का संख्या हो गया पहला संख्या, और उसका अंक पलट दे रहा है क्या हो जाएगा, 10y + x, यही ना होगा दूसरा अंक पलटने के बाद। पहले हम संख्या लिखे 10x + y, यदि उनका अंक पलट दिया जाए तो 10y + x, यही हो जाएगा। इसके आगे पढ़िए, बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, प्राप्त संख्या का लिख लिए 132। तो अब देखिए 10 और 11x + 11y = 132, तो x + y = निकल जाएगा 132/11, यानी कि x + y = मेरा निकल जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़िए, दिया हुआ है अंकों का अंतर 4 है, तो अंक का अंतर x - y = 4, तो यहाँ से x निकालिए 2x = 16, तो x = निकल गया 8, x 8 निकला तो y आपका निकल जाएगा 4, तो आप y मेरा 4 निकला। तो आगे पढ़िए क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा 10x + y, ये मेरा संख्या होगा, तो 10 x निकाले हैं 8 और y निकाले हैं 4, तो 80 + 4, तो 84 मेरा संख्या हो गया, ऑप्शन आप देखिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व करते हैं।
देखिए दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए पहले सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दिया हुआ इसके बाद कि सबसे छोटी भुजा की विकर्ण जो है सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक हो तो त्रिभुज का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको पता हो विकर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तब आप यहाँ क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो विकर्ण होता है, समझ में आया। अब थीटा के अनुसार से लंब और आधार बढ़ते हैं, तो यदि ये थीटा मानते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और जो बच गया वो मेरा आधार हो जाएगा। चलिए ये यहाँ नहीं था, ये हम बता दिए आपको जानकारी के लिए। तो देखिए दिया हुआ है सबसे छोटी भुजा, मान के चलिए हम सबसे छोटी भुजा इसको मान लेते हैं ए बी सी, ए बी को सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा जो है इसको मान लेते हैं। कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा की दुगुनी से 2 मीटर कम है, तो 2x-2 ये दिया हुआ है। और जो सबसे बच गया तीसरा जो है वो दिया हुआ है त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तो x+2। अब एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा पाइथागोरस पर में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हुआ कि आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये करिए x² + x+2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x-2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कीजिए तो x² + 4x, 2 इधर से आएगा और 4x+4 बराबर 4x² + 4-8x². इसको सॉल्व कीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि 4 जो है प्लस में है, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2x² + 4x-8 = -8x². तो 2x² बराबर हो जाता है 8x, होगा ये स्क्वायर नहीं होगा x। तो यहाँ से देखिए तो हो जाएगा ये -8 है, तो -8x - 4x, तो 2x² - 12x। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो एक स्क्वायर से x गया तो x बराबर मेरा निकल गया 6, x बराबर आपका निकल के आ रहा है 6, x जो है वो 6 निकल के आ रहा है। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण की लंबाई आप देखिए, कर्ण की लंबाई जो होगी 2x-2, तो 2 × 6-2 यानी कि 12-2 बराबर 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन आप मिला सकते हैं। देखिए अब ये माइनस आप कहिएगा ख़त्म कैसे हुआ, तो यहाँ से जो है 4x² इधर आएगा, 4x² जो इधर आएगा, एक 4x² ये है, ये इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, तो ये -2x, इधर -12x², तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको बन जाना चाहिए, बन गया होगा, एक बार मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात, मान लेते हैं a:b, दो संख्या इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है अंतर जो है 160 है, डिफरेंस जो दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। यहाँ डिफरेंस देखिए 2 यूनिट का है, 2 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 80, और तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा, ए संख्या जो हो जाएगा 80 × 5 यानी कि 400, और बी संख्या जो हो जाएगा 80 गुना
3 यानी कि 240। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 चौका 16, 4 2 8 1 9, 3 0 है, 3 0 आ जाएगा। 96,000 जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम दोनों संख्या निकाल लिए तो गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कि एक दुकानदार क्रिकेट बल्लों को इस प्रकार बेचा कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 50 क्रय मूल्य को हम बोल देते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, बराबर कितना है 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, 35 एसपी। तो यहां से सीपी डिवाइडेड बाय एसपी, तो देखिए इस साइड जो होता है वो सीपी का होता है, अपोजिट साइड वाला अलग अलग हो जाता है 50। तो 7 5 6 35 10, तो देखिए 3 का जो हमको आ रहा है फायदा, देखिए सीपी मेरा 7 है और एसपी अधिक है, कितना अधिक है 3। 3 अधिक है कहने का ये अर्थ ये हुआ कि लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ डिवाइडेड बाय सीपी, तो सीपी 7 है गुना 100 कर दीजिए। तो ये देखिए 1/7 आपका निकल जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 14 3 42। ऑप्शन में देखिए 42 वाला है बी ऑप्शन, देखिए आपको 42.83% है। एक ही ऑप्शन में हमको 42 दिख रहा था, तो हम यहाँ से टिक कर जाते। पहले ऑप्शन में 33.33 है, दूसरा ऑप्शन में 50 है, तीसरा ऑप्शन 60 है, इसके नज़दीक कोई ऑप्शन नहीं था तो हम इसी से टिक कर सकते थे। समझ में आया, इस क्वेश्चन को करने का सबसे जो सिंपल तरीका है यही है, जो दिया हुआ है 50 सीपी, 50 वस्तु को बेचने का मूल्य बराबर 35 वस्तु को, 50 वस्तु के खरीद मूल्य का बराबर हो जाएगा 35 वस्तु के बेचने का मूल्य। तो आप यहां से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि वह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 अधिक प्राप्त होते, निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए कहने का अर्थ हुआ कि रेट परसेंट में हम 10% और जोड़ देते तो यहाँ से हमको कितना अधिक मिलता, तो 2000 अधिक मिलता। ये 2000 अधिक मिलता यानी कि रेट परसेंट से यदि हम 10% अधिक किए होते, कितने सालों में मिलता, तो आपको 5 वर्ष में, तो RT% निकालिए, तो R+10% × 5, ये मेरा RT% हो गया बराबर, तो 5R+50%। अब देखिए R ये 5 वर्ष में, तो R% तो वही रहता, इस 50% के वजह से हमको 2000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, एक साल में हम 10% का जो है वो अधिक कर रहे हैं, तो 5 साल में मेरा 50% अधिक हो रहा है, उस 50% अधिक होने की वजह से हमको 2000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 50% का जो वैल्यू है यहाँ पे 2000 रुपया है, तो 1% का वैल्यू आप निकालिए, तो 2000 2000 बटे 50, यहाँ से 100% मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू आप निकालिए, 2000 बटे 50 × 100, तो ये हो जाएगा 50 × 100 यानी कि 4000 रुपया, 4000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये 2000 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा था, क्योंकि हम ये जो है 10% एक्स्ट्रा ले रहे थे, तो 5 साल में वो 50% बढ़ जाता, और 50% बढ़ा इसके वजह से जो है हमको 2000 रुपया एक्स्ट्रा अर्न हो रहा था, तो उस 50% का वैल्यू हमने 2000 रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, फिर से पिछला वाला क्वेश्चन है, 240 वस्तु का सीपी जो है
वो 160 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ से सीपी डिवाइडेड बाय एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं, 160 डिवाइडेड बाय 240, तो ये हो जाएगा 80 दुना 160, 8 3 24 यानी कि 2/3। तो हम देख रहे हैं कि एक का यहाँ से देखिए सीपी जो है 2 रुपया है, मान चलिए 2 है और एसपी 3 है, तो यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, एक का लाभ किस पे हो रहा है, 2 का, तो 1/2 का वैल्यू ही 50% होता है। और यदि 1/2 × 100 कीजिए तो आपको यहाँ से भी 50% निकलेगा, तो 50% आप देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट वे और सबसे सरल तरीका ये है, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, 240 सीपी दिया हुआ था, वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया हुआ है। यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हमको रियल वैल्यू नहीं पूछा था, सिर्फ हमसे कम परसेंटेज पूछा था, तो यदि रेशियो निकल गया तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा, तो ओके और मेरा निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आया है, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है यदि M614 11 से विभाज है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में M का मान ज्ञात करें। अब देखिए 11 से विभाज यानी कि 11 से डिविजिबल हो कब होगा, तो देखिए जब हम इंडिविजुअल नंबर का सम करके इक्वल कर देंगे दोनों को, अगर दोनों इक्वल आ गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि देखिए एम और एक छोड़ के 1+1 के ये बराबर देखिए 6+4 के इंडिविजुअल नंबर्स को जोड़ के और दोनों को बराबर कर देंगे। यदि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो नंबर्स तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो m प्लस 1 बराबर हो गया 10, तो m बराबर मेरा निकल गया 9। तो सबसे m का जो इस नंबर्स में m का सबसे मिनिमम वैल्यू n होगा जिससे ये संख्या 11 से डिविजिबल होगा, आप डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो कहता है कि यदि संख्या इंडिविजुअल संख्याओं का जो डिजिट होता है, संख्या दिए गए संख्या का डिजिट जो होता है उसका इंडिविजुअल सम अगर इक्वल हो गया तो वो नंबर 11 से डिविजुअल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको 11 से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से 11 से विभाज्यता का नियम पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ यदि 3 संख्याओं का अनुपात a:b:c दिया हुआ है, 3:2:1 ये दिया हुआ है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया उनके योग का आधा 72 है, तो अब देखिए 3 × 2 = 5 = 6 योग इसका इस सभी को जोड़े तो क्या है 6 है, योग मेरा 6 है, तो इसका आधा लेना है तो आधा क्या हो जाएगा 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाले तो निकल जाएगा 24 निकला। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या सी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है 1 यूनिट का 24, तो आपको 24 का स्क्वायर निकालना है वर्ग, तो ये हो जाएगा आपको 576। आप देखिए ऑप्शन ए में आपको दिख जाएगा, इस ऑप्शन से ए ऑप्शन आपका इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। देखिए रेशियो दिया हुआ था, इसने डायरेक्ट योग नहीं दिया था, योग का आधा दिया था, तो हम जो योग निकाले उसका आधा कर दिया, आधा की 1 यूनिट का वैल्यू हम देखे 24 निकल रहा था और सबसे छोटी संख्या का इसने वर्ग पूछा था, तो 1 यूनिट ही मेरा सबसे छोटी संख्या तो वो 24 हो जाएगा, तो 24 का वर्ग निकाल दें तो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है
कि त्रिभुज के शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगता है और यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। देखिए एगो वृत्त है और एगो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना है, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से सेंटर है, ए बी सी वो मान लेते हैं। देखिए अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 पाई दिया हुआ है, एरिया जो है वृत्त का 64 पाई है, कुछ इसमें यूनिट नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं यूनिट स्क्वायर दिया, ये एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 पाई, तो पाई से पाई कट गया तो आर बराबर कितना निकल जाएगा 8, प्लस माइनस में निकलेगा, लेकिन जो है मेरा मेजरमेंट जो है यहाँ ये रेडियस कभी निगेटिव होगा नहीं तो हम प्लस वाला ही लेंगे, तो मेरा रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकला वो कितना निकल गया आर। तो अब पूछ रहा था कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी, देखिए भुजा क्या होगा, इसका व्यास ही ना इस त्रिभुज का भुजा होगा, जो इस सर्किल का जो है व्यास होगा वही इस त्रिभुज का जो एक साइड होगा, एक साइड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड इक्वल हो जाएगा, तो त्रिभुज का जो साइड होगा, त्रिभुज की भुजा जो होगा वो हो जाएगा 2r, तो 2r 2 और गुना 8 यानी कि 16 यूनिट हो जाएगा। यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ था तो जो भी हो यूनिट में ही आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि वह साधारण ब्याज की दर 6% रेट जो है 6.25% है की वार्षिक दर से निवेश किया जाए। आपको आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। आप देखिए रेट दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6+1/4 यानी कि 25/4% लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि धनराशि जो है यदि मूलधन, मूलधन मेरा P है तो क्या हो जा रहा है 2P हो जा रहा है कितने समय में, तो यहाँ से ब्याज कितना होगा P, तो साधारण में ऐसे P बराबर P इंटू R कितना है 25/4 इंटू T निकालना है डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए P से P कैंसिल आउट हो गया 25 × 4 = 100 तो T बराबर निकल गया 4 × 4 यानी कि 16 वर्ष, मेरा समय जो है वो 16 वर्ष निकल गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कंसेप्चुअली सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो जो है पूरा जो है सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस का अच्छी तरीका से आप कर लेते हैं, करके जाते हैं यहाँ पे, तो आप स्कोर मैथ्स में अच्छा करके आएंगे। आप कोई जो है आप करके जाते हैं यहाँ से मुश्किल प्रश्नों का आप करके जाते हैं और वहाँ से आप साधारण से जो क्वेश्चंस हैं उसको स्किप करके आ जाते हैं। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं, देखिए यहाँ समझिए रेट दिया हुआ है 6.25%, तो इसको हम 6.25% को 6+1/4 लिख सकते हैं, 25/4 लिख सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ था कि मूलधन पी से 2P हो जाए, तो पी से 2P यदि होगा तो कहने का अर्थ क्या हुआ साधारण ब्याज से, तो यह क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट SIP कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन निकल गया, मेरा मूलधन ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट P और मूलधन भी P है, रेट मेरा ये हो गया, ये समय हो गया, ये फॉर्मूला में 100 होता है, T मेरा 16 वर्ष निकल गया, ऑप्शन D आपका करेक्ट हो गया। तो आज आपको हम बताए RRB NTPC और ग्रुप D से रिलेटेड, बोले तो पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व करवाए, तो आगे का जो क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है।
लास्ट में हम 3-4 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के हम क्वेश्चंस लेंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी हम सिर्फ अर्थमेटिक्स और जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह से नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चंस है उसको हम अलग से 3-4 वीडियो में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करवा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए नए क्वेश्चंस के साथ।